नमस्ते बच्चों, माय नेम इज भवानी, आई एम वर्किंग इन भारतीदासन मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल एज हिंदी टीचर। चलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, चलो देखते हैं। मैं जो हूँ प्रवेशिका, प्रवेशिका स्टूडेंट्स को ग्रामर पांचवन पढ़ाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। यह जो है सब एग्जाम में 2 मार्क्स के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। द क्वेश्चन आंसर्स विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ओके, चलो एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। सो व्हाट इज द मीनिंग, यू हैव टू आंसर इन 1 or 2 sentences ओनली। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? भाषा, भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, एल ए एन जी यू ए जी ई, लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ मनुष्य अपने मन के विचार को मुंह से बोलकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, इस बोली को हम भाषा कहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? मनुष्य, मनुष्य मीन्स ह्यूमन। मनुष्य अपने मन के विचार, मन के विचार मीन्स इफ यू आर थिंकिंग समथिंग इन योर माइंड, ठीक है, मन के विचार को मुंह से बोलकर, मुंह मीन्स विद द हेल्प ऑफ माउथ, मुंह से बोलकर दूसरे मनुष्य तक, दूसरे मनुष्य मीन्स व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, जस्ट सेइंग टू द अदर पर्सन, दूसरा, दूसरा मीन्स अदर पर्सन, दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, उस बोली को हम भाषा कहते हैं। दैट इज ओनली द लैंग्वेज। इफ यू आर थिंकिंग समथिंग, यू आर जस्ट सेइंग टू समवन, यस और नो, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग दैट व्यू टू समवन, दैट इज ओनली लैंग्वेज। சரிங்களா, இப்போ நீங்கள் உங்கள் மனசில் எதுவும் யோசிக்கிறீங்க, சரிங்களா, அது நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க மற்றவங்களுக்கு? மூகம், மூகம் மீன்ஸ் மவுத், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த மவுத் நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள வரைக்கும் போய் ரீச் பண்ணோம் இல்லைங்க, நீங்கள் யோசிக்கிறது. ஸோ தேட் இஸ் ஒன்லி லாங்குவேஜ். சில மனுஷ அப்படி மன்கே விசார்க்கோ மூகம், மூகம், மூகம் கா மத்லப் ஹோதா ஹை மவுத், எம் O U T H, मुंह से बोलकर दूसरे मनुष्य, मनुष्य मीन्स ह्यूमन, मनुष्य, मनुष्य मीन्स ह्यूमन, H U M A N, दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है इस बोली, बोली मीन्स दैट इज ओनली द लैंग्वेज। गुड, देखो तो यहाँ पर देखो, सी व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट दे आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज टू ईच अदर। हाउ दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यू टू ईच अदर? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। देखो तो यह जो है एक दूसरे से कैसे बोल रहे हैं, अपने मन के विचार को दूसरे मनुष्य तक पहुंचा रहे हैं, उसी को जो है भाषा कहते हैं। ओके, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्याकरण? व्याकरण, व्याकरण मीन्स ग्रामर, जी आर ए एम एम ए आर, ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर माँ? ग्रामर का मतलब होता है जस्ट यू आर टॉकिंग अ लैंग्वेज इन अ करेक्ट मैनर, दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ
ग्रामर। सो यहाँ पर जो है भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने के नियम निर्धारित करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा, भाषा का मतलब होता है, भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, L A N G U A G E। भाषा को शुद्ध रूप, शुद्ध मीन्स करेक्ट, शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है करेक्ट, C O R R E C T, करेक्ट। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, बोलने मीन्स टॉक, लिखने मीन्स राइटिंग। इफ यू आर जस्ट टॉकिंग आर राइटिंग अ लैंग्वेज दैट शुड बी इन अ करेक्ट वे, दैट रूल एंड रेगुलेशन इज ओनली द लैंग्वेज, सॉरी दैट रूल एंड रेगुलेशन ओनली द ग्रामर। सो यहाँ पर जो है भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने के नियम निर्धारित करने वाले शास्त्र व्याकरण है। इफ यू आर टॉकिंग अ लैंग्वेज आर राइटिंग अ लैंग्वेज इन अ करेक्ट मैनर रूल एंड रेगुलेशन दैट इज ओनली द ग्रामर। ग्रामर்னா என்னதுமா, நம்ம லாங்குவேஜை வந்து கரெக்டாக பேசுகிறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ரூல் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, லைக் நவுன் ப்ரோனவுன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, கரெக்டான இடத்துல வந்து சப்போர்ட்டிங் வேர்ப் யூஸ் பண்ணோம், கரெக்டான இடத்துல வேர்ப் யூஸ் பண்ணோம், இது மாதிரி கரெக்டாக பேசுகிறத தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கிராமர்னு சொல்லுவாங்க. சியர் தேர் ஆர் ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் கிராமர்ஸ் ஆர் தேர். ஹிந்தி மே வியாக்கரன் தேக்கோ தோ, சந்தி சமாஸ் कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद, अलंकार। दिस इज अ रूल एंड रेगुलेशन टू टॉक अ लैंग्वेज इन अ प्रॉपर वे, उसी को जो है क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। चलो, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णों के प्रकार क्या क्या हैं। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण मीन्स अल्फा बेट, ठीक है, वर्ण का मतलब होता है अल्फा बेट। सो वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णों के प्रकार क्या क्या है। So what is the meaning of Varnamala? A group of letters, yes or no? A group of letters. क्या बोलते हैं? The letters. How? What are the two letters are there in the Hindi? Vowels as well as consonants. So vowel को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. और consonants को जो है व्यंजन कहते हैं. ठीक है? स्वर में जो है some letters are there. व्यंजन में जो है सम अल्फाबेट लेटर्स आर देयर, सो ऑल द लेटर्स टुगेदर ओनली वी से एज अ वर्णमाला, ठीक है। सो वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णों के प्रकार क्या क्या है। वर्णों के समूह, समूह मीन्स अ ग्रुप, यस ऑन ऑल द लेटर्स, यस ऑन ऑल द लेटर्स और जॉइन इज दैट ओनली वी से एज अ वर्णमाला, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिंदी वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर तथा व्यंजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्णमाला। स्वर, स्वर का मतलब होता है वोवल्स, व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स। चलो, अल्फाबेट बाद में जो है स्वर, स्वर का मतलब होता है V O W E L S, vowels, व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है कौन सो नेंस, कौन सो नेंस,
ओके ना वर्णमाला ना इन्हें जो माँ नम्बर वन दी हिंदी लव वन दी रेंट टाइप ऑफ वर्ण रख दी इन्हें तेरे ना स्वर एस वेल एस व्यंजन यस स्वर ना बबल्स व्यंजन ना कॉन्सनेंस सो ये लत्र स्वर लव वन दी सम लेटर्स रख देंगे व्यंजन लव वन दी लेटर्स रख देंगे अंद लेटर्स एल्ला सेम दे नम्बर सोल रहा था वर्णमाला ने सोल वांगे ठीक है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से स्वर और व्यंजन ठीक है अनुस्वर और विसर्ग को स्वर्ग के साथ रखा जाता है अनुस्वर्गों विसर्ग कूड़े एदु कूड़मा वेपांगे सो कैसे है स्वर के साथ रखा जाता है ठीक है सी दिस इज ओनली वर्णमाला हिंदी वर्णमाला सो दिस ऑल देयर लेटर्स आर बबल्स ख से लिखे री तक जो है ये कौन से लेटर्स है दिस एंड ऑल कॉन्सनेंट्स सो ऑल द अल्फाबेट जॉइन टुगेदर எல்லா அல்பாபெட்டோ சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோங்க வர்ணமாலான்னு சொல்லுவாங்க शब्द किसे कहते हैं किन किन दृष्टि से शब्दों का वर्णीकरण किया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शब्द ब द शब्द का मतलब होता है वर्ड डब्ल्यू आर डी वर्ड सो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ठीक है किन किन दृष्टि से शब्दों का वर्णीकरण किया जाता है सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जॉइन टुगेदर ओनली वी से एज अ वर्ड बट इट शुड हैव अ मीनिंगफुल अ ग्रुप ऑफ लेटर्स बट व्हेन वी प्रोनाउंस मीन्स इट शुड हैव अ मीनिंगफुल दैट इज ओनली वर्ड ओके सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं सार्थक 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 का मतलब होता है मीनिंगफुल एम ई एन आई एन जी मीनिंगफुल एफ यू एल सार्थक ध्वनि ध्वनि का मतलब होता है साउंड ध्वनि मीन्स साउंड एस ओ यू एन डी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स बट इट शुड हैव अ मीनिंगफुल साउंड देन ओनली वी से दिस एज अ शब्द वर्ड सो इन्ना मार्तों இப்போ வந்து எல்லா லெட்டர்ஸும் ஜாயின் டுகெதர் வந்து வேர்டு ஆகும் எஸ் ஆனும் ஆனால் அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து என்ன ஆகணுங்க எல்லாம் குரூப்பாக இருந்தால் கூட இட் ஷுட் ஹாவ் ஓ மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து அதை வந்து வேர்டுன்னு சொல்லுவோங்க சரிங்களா ஸோ இட் ஷுட் ஹாவ் ஓ மீனிங் ஃபுல் यहाँ पर देखिए तो क म ला क म ला सो द लेटर्स जॉइन टुगेदर हैविंग अ क म ला कमल सो कमल का मतलब होता है लोटस सो इट शुड हैव अ मीनिंगफुल लाइक म ग र दिस एंड अ लेटर्स यस आर नो व्हेन इट्स जॉइंस इट विल बिकम म ग र मगर मगर मीन्स बट यस आर नो So, sarthak, meaningful letters joined together only, we say as a word. ठीक है, सार्थक ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं. The letters इन्ने रुकनोंग, और meaningful अरंदा था, अदु वंदु word इन्न सलवांग. चलो, संज्ञा की परिभाषा दीजिए. What is the meaning of संज्ञा? संज्ञा का मतलब क्या होता है? चलो तो, संज्ञा संज्ञा என்னதுமா संज्ञा मींस
नाउन, एन ओ यू एन, नाउन, ठीक है। व्हाट इज नाउन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन, पी ई आर एस ओ एन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। वस्तु, व स तु, वस्तु मीन्स थिंग्स, टी एच आई एन जी एस, थिंग्स। स्थान, स्थान का मतलब होता है प्लेस, पी एल ए सी ई, प्लेस। भाव, भाव का मतलब होता है इमोशन, मोशन, इमोशन, ठीक है, को संज्ञा कहते हैं। राम, दिल्ली, लड़कपन, कलम आदि। सो व्हाट इज अ नाउन? नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल इज ओनली अ नाउन। सो यहाँ पर जो है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। चलो सो यहाँ पर एग्जाम्पल, राम, राम ना और पेर सरिंगा, दिल्ली अदोर प्लेस, लड़कपन चाइल्डहुड ऐसा नो। सो नम्बर वंदे चिन्न वयस अदा लड़कपन चाइल्डहुड डेज अदा ना नम्बर वंदे लड़कपन सुनो। कलम, कलम का मतलब होता है पेन, सो पेन इज अ थिंग। सो इदला सेंदा दा वी से एज अ नाउन ऐसा नो। இப்போ வந்து யாருனா பேர், பிளேஸ், பொருள் இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் நம்ம என்னதுமா சொல்லுவோம், நவுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கிசி வக்தி வஸ்து ஸ்தான் யா பாவ் கோ சங்கியா கேத்தே ஹே, வெரி குட். நவ் சண்மதி நீ சொல்லுமா. இப்போ வந்து வேர்டுனா என்னதுங்க? வேர்டுனா அ குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஷுட் ஹாவ் அ meaningful, yes or no? So that is only very good. So group of letters, but it should have a meaningful. Adha da word in solluvanga. Good. See ya. Dikhata boy is a noun. Park, park or place idam, yes or no? It is also a noun. Chalo yaar, ab jo hai kis tarah ke प्रश्न जो है सभा में पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट नम्ब என்ன பார்த்தோம்? फर्स्ट वी सो दैट என்ன பார்த்தோம்? फर्स्ट நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா भाषा किसे कहते हैं। भाषा मींस व्हाट इज लैंग्वेज, அது மாதிரி क्वेश्चन கேப்பாங்க. फर्स्ट वी सो दैट भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। बाद में जो है क्या हमने देखा था? संज्ञा किसे कहते हैं? लाइक दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द सभा एग्जाम फॉर ओनली फॉर 2 marks. ओके, नाउ यू विल बी क्लियर इन दिस क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन आंसर्स? ओके, इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव अटैच्ड द स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एज वेल एज क्वेश्चन पेपर. द क्वेश्चन पेपर हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सभा एग्जाम. எதனா டவுட் இருந்தா என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல் ரெஃபர் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? ஜப் ஆப்கோ குச் பி சந்தேக ஹோ தோ ஆப்கோ கியா கர்னா சாஹியே, ஜஸ்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் லீஜியே, தேகியே. சோ ஆப்கா சந்தேக ஜோ ஹே பில்குல் ஹட் ஜாயேகா, டீக் ஹே. பாத் மே ஆப்கோ கியா கர்னா ஹே, டேக் த க்வெஸ்சன் பேப்பர், ரைட் அ டெஸ்ட், யூ வில் பி கிளியர். தன்யவாத்.